हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का निम्बस लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी गेट क्वालिफाइड मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए एक ज़बरदस्त नोटिफिकेशन लेकर आया है PSPCL। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। तो आइए चेक करते हैं, अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी है ये केवल और केवल गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। जी हाँ, गेट 2024 अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप सभी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर मैं बात करता हूँ इस पोस्ट की, तो आपको असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए पोस्ट निकली है। तो बिल्कुल कोई कन्फ्यूज ना कीजिएगा, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल इंजीनियर्स का पोस्ट है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, अगर हम बात करें तो स्टार्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो है 19 जुलाई 2024, और वहीं पर अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट की बात करें तो वो है 8 अगस्त 2024। ठीक है, डिपॉजिट फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट 12 अगस्त रखी गई है। ओके, अगर हम बात करें इस पोस्ट की, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, पहली बात आपको BE, BTEC या AMI होनी चाहिए आपका इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसी के साथ गेट 2024 क्वालिफिकेशन मैंडेटरी रखा गया है। ओके, पे स्केल की बात करें तो बहुत ही हैंडसम पे स्केल आपको देखने को मिलता है। आपके पास जो पे मैट्रिक्स के अनुसार जो आपका 7th CPC के अंतर्गत आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो है 47,600 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस जॉब के अंदर 3 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड देखने को मिलता है, जो कि मेंशनड है। आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 3 इयर्स का रहने वाला है, और उसके अंदर आपको केवल ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंसेज अलाउड है। उसके अलावा जितनी गवर्नमेंट बेनिफिशियरी आपके पास स्कीम्स है वो सब इस प्रोबेशन पीरियड के ख़त्म होने के बाद आपके लिए अवेलमेंट के लिए देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें वैकेंसी का बाइफर्केशन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 100 वैकेंसीज देखने को मिलती है, जहां पर बाइफर्केशन आप कैटेगरी वाइज यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो बाइफर्केशन आपके सामने है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की, तो दे आर 14 नंबर, तो 40 टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो अगर क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला तो क्राइटेरिया, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका गेट 2024 क्वालिफाइड होना चाहिए। यानी अगर आपने 2024 में गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम कट ऑफ रखी गई है, जो कि कैटेगरी वाइज आपके सामने, जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम गेट का क्वालिफिकेशन स्कोर है वो रखा गया है 28.60 मार्क्स, और बाकी सारी कैटेगरीज के लिए इट इज़ 25.70 मार्क्स। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 19 मार्क्स आपका जो है मिनिमम कट ऑफ डिसाइड किया गया है। अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करूं, तो आपके पास एक फुल टाइम रेगुलर BE, BTEC या फिर BSc इन इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका पूरा डिग्री का 55% या अबोव होना चाहिए। ओके, उसी के साथ साथ एक और ज़बरदस्त आपको इसके अंदर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ आपका मैट्रिकुलेशन, यानी 10th लेवल पर आइदर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में पंजाबी लैंग्वेज होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन यहाँ पर नेसेसरी है। ठीक है, तो अगर आप ये सारी जो जितनी भी हमने बात करी है क्वालिफिकेशंस, ये अगर आप मानते हैं आपके अंदर है, तो आप इस फॉर्म को इजीली फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 इयर्स टू 37 इयर्स का रखा गया है। यानी आपकी जो उम्र है अगर 18 साल से 37 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ओके, रिलैक्सेशन आपके सामने है, तो जो भी आपके कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जो है आप देख सकते हैं, तो वो रिलैक्सेशन यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अतिरिक्त एक बातचीत और यहाँ लिख रखी है, जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन हो चुका है इंजीनियरिंग का लेकिन रिजल्ट अवेटेड है, वो फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर ज़रूरी है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपका रिजल्ट जो है ऑलरेडी डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर उससे पहले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप फॉर्म फिलिंग ज़रूर कर सकते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जिन्होंने गेट क्वालिफाइड कर लिया है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आपका जो रिज़ल्ट है वो इसके फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट से पहले आ जाना चाहिए। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं, तो सभी कैटेगरीज के लिए एक्सेप्ट SC एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इट इज़ 2000 पर पर्सन, और उसके ऊपर अगर GST इंक्लूड करें तो टोटल 2360 रुपये का आपको ये फॉर्म देखने को मिलता है। बाकी दूसरी कैटेगरी के हिसाब से बात कर सकते हैं, 1652 रुपीज़ आपको देखने को मिलता है इस फॉर्म का फ़ीस। ओके,
जो फीस है वो केवल ऑनलाइन मोड से एक्सेप्टेबल है, किसी और मोड से आप फीस नहीं फिल कर सकते हैं। सारा फॉर्म का जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। ओके, अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको देखने को मिलता है, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे आपकी सारी डिटेल्स, उसके साथ में आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर अपलोड करवाने के साथ साथ आपको गेट का एप्लीकेशन नंबर और गेट स्कोर यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर आप गेट का स्कोर यहाँ पर अपलोड करते हैं, उसी के बाद आपका जो है फॉर्म सबमिट होगा। तो गेट के स्कोर के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उन मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट्स को देखिए, कोई रिटन एग्जाम वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है, इस गेट स्कोर के बेसिस पर मेरिट लिस्ट फॉर्म की जाएगी और उनको कॉल किया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। अपॉन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपके पास जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी कोई रिटन एग्जाम या पर्सनल इंटरव्यू जैसा कोई स्टेज नहीं है। आपको डायरेक्ट अपना फॉर्म फिलिंग करना है, उस बेसिस पर आप गेट के स्कोर के बेसिस पर और आपके कॉलेज के जो डिग्री का स्कोर है उसके बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और आपको डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। ओके, तो केवल गेट 2024 के स्टूडेंट्स ही इस प्रोसेस के अंदर एलिजिबल है। तो जो जिन्होंने पिछले साल और उसके पिछले साल गेट दिया है वो इधर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिख रखा है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड और आर अपियरिंग द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बट देयर रिजल्ट इज अवेटेड कैन ऑल्सो अप्लाइड बट ही और शी मस्ट अक्वायर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस अप टू द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, यानी आपका जिनका भी अपियरिंग चल रहा है वो यहाँ पर फॉर्म तो फिल आउट कर सकते हैं, परंतु आपके पास जब भी इसका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है उससे पहले आपका रिजल्ट जो है ऑलरेडी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी पर आपको आपका कैंडिडेचर जो होगा सक्सेसफुल माना जाएगा। ट्रेनिंग की बात की जाए तो ट्रेनिंग जो है PSPCL आपको पटियाला जो इनका सेंटर ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर जो है ट्रेनिंग आपको अवेल कराई जाएगी। तो 3 साल के लिए आपका पटियाला ट्रेनिंग सेंटर पर जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। ओके, अगर प्रोसीजर की बात करें तो आपका ये जो प्रोसीजर है PSPCL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। इधर आपको जो भी आपका डिटेल्स है वो सारा डिटेल्स जो आपका जनरल डिटेल्स है वो आप रजिस्टर करके उसको फिल आउट कीजिए। आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और उसी के साथ साथ आपको अपना गेट का एप्लीकेशन नंबर भी वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी और डीवी के लिए आपको कॉल किए जाएंगे। कुछ चीज़ों का जिनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है वो आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हमेशा एक चालू अवस्था में होने चाहिए ताकि जो भी कम्युनिकेशन PSPCL की तरफ से आपके साथ हो वो आप इजीली उसका रिप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म की फिलिंग प्रोसेस में अगर कोई भी इशू आपको लगता है, कोई भी समस्या आपको आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन जो है जल्दी से जल्दी आपको दिया जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल निम्बस लर्निंग के साथ, क्योंकि ये है आपके फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। थैंक यू सो मच गाइस। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.